को बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि जो लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, बहुत दूर रहते हैं, तो उनको भी पता लगे कि हमारे यहाँ पे मुराद शाह जी बाबा जी की बहुत ही एक बल्कि पवित्र दरगाह है। एंट्री ऐसी है और ये पूरा तो गई यहाँ से होती है बाबा जी के दरबार। मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू क्या बोल रहा है। तो गाइस आज हमने तैयार किया देख लो, और आपको थंबनेल देख के पता लग ही चुका कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो बस निकलते हैं सीधा बाबा जी के डेरे पे, तो चलते हैं और आपको भी दर्शन कराएंगे और खुद भी माथा टेक के आएंगे। पहले मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ गया था, आज मैं अकेला जा रहा हूँ और बाइक पे जा रहा हूँ। तो चलो बाबा जी यात्रा सफल करें। बाबा बाबू मैं मत्था टेक के आता हूँ, मैं तेरे को दिखाऊंगा ब्लॉग में, ठीक है? ओके, तू गेट बंद कर ले। तो गाइस चलो निकलते हैं। तो गाइस अभी मैं रास्ते में हूँ, लेकिन ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। देखो कितने अच्छे अच्छे फ्लावर रखे हुए हैं यहाँ पे, तो मैंने कहा चलो आपको भी दिखा दूँ। फिलहाल मेरी यात्रा चालू है। तो गाइस आप रोड देख सकते हो, बहुत ही प्यारे रोड बना दिए गए अभी यहाँ पे, और ये पूरे खेत खलिहान है। और मैं जानबूझ के स्लो चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को तेज़ चलाने की आदत नहीं बाइक की। कई एरिए कई चीज़ें ऐसी होती ना जो मतलब देख के रहा नहीं जाता, कि आपको भी दिखा दें। तो देखो कितना प्यारा एरिया लग रहा है, कोई बोल सकता है कि नकोदर का एक गाँव है। कितने प्यारे सड़कें, कितना प्यारा, ये देखो कितनी प्यारी बॉन्डिंग बनाई है उन्होंने, और ये पूरे का पूरा रोड कितना प्यारा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा मुराद शाह जी के डेरे में। तो यहाँ का कुछ ऐसा लुक है, ये पार्किंग है और ये लगी हमारी यहाँ पे बाइक। यहाँ की पार्किंग फ्री है, ये जोड़ा घर है यहाँ पे ना, अपने शूज वगैरह जमा करा के फिर चलते अंदर, फिर टेकेंगे माथा। यहाँ पर है एंट्री बाबा मुराद शाह जी की, और एंट्रेंस देख लीजिए कितनी प्यारी है। चलो हम भी चलते यहाँ पर, मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ लेकिन ना बहुत अच्छा लगता है। और ये कुछ एंट्री ऐसी है, और ये पूरा का पूरा वाइट पत्थर लगा हुआ है यहाँ पे। गाइस जब भी मैं यहाँ पे या किसी भी स्थान में जाता हूँ ना, तो मेरे को ये अच्छा लगता है कि यहाँ की मेंटेनेंस कितनी अच्छी होती है यार। भगत जितने भी भगत है ना, बहुत ही ज़्यादा, जो भी ट्रस्ट चला रहा है, बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। और देखिए, और अभी तो ये शुरुआत है, आगे से आगे देखिए कि मुराद साहब जी की जगह जो है ना कितनी प्यारी है, देखिए। तो गाइस यहाँ पर आपके आगे देखते हो ना जब भी, और मैं बहुत अच्छे टाइम में आया क्योंकि यहाँ पर आज भीड़ नहीं है। देखिए आप चारों तरफ से ना, नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो बच्चों को भी लेके आएंगे। तो गाइस बच्चों को भी लेके आएंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हो जाता है अभी बाइक में हम एक साथ नहीं आ सकते, तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए ना चलो मुराद शाह जी पूरी कर दे मनोकामना, गाड़ी वाड़ी हो जाए तो जाएंगे, और फिर बच्चों को भी लेके आया करेंगे। तो गाइस दरबार बहुत बड़ा है, और मैं तो आज अच्छे दिन आया हूँ क्योंकि बहुत कम भीड़ है और अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं, देख सकते हो आप भी। यहाँ पे लिखा गया कि शराब पी के आप नहीं आ सकते, और वहाँ पे लिखा है कि आप मतलब खास ध्यान रखिए साफ सफाई का, और साफ सफाई का ध्यान हम सबको रखना चाहिए, खास करके इन जगहों में जो कि पहले से इतनी साफ हो गई, इतना क्लीन रखा गया है, हर एक पत्थर चमक रहा है यार, देखो मानना पड़ेगा, सल्यूट। तो भाई ये जो गाड़ियाँ लगी देख रहे हो ना, ये भी लगता किसी भगत ने चढ़ाई है यहाँ पे। और ये देखो यहाँ पे पड़े हुए हैं इतने सारे खाली डिब्बे, जो भगत आते हैं यहाँ पे प्रसाद चढ़ाते हैं ना, उनके डिब्बे देख लो कितने भरे पड़े गत्ता। तो इतना मतलब ज़्यादा यहाँ पे सबकी मतलब की श्रद्धा है, लोग आते हैं दूर दूर से, फॉरन तक से भी लोग आते हैं और मथा टेक के जाते हैं। तो गई यहाँ से होती है बाबा जी के दरबार की एंट्री,
और देखिए आप कितना प्यारा दरबार है बाबा जी का। और यहाँ पे लिखा हुआ है कीप साइलेंट, ज़्यादा आवाज ना करें। गरीबी मीनाकारी देखो कितना अच्छा है यार, तो मैं तो देख देख के हैरान हूँ, कितना प्यारा है यार, कितना प्यारा है। तो भाई यहाँ से मत्था टेकने के बाद हम आगे जाते हैं जहाँ पे ना इन्होंने बहुत ही अच्छी पार्क वगैरह बनाई हुई है, बहुत ही तरह गार्डन बनाया हुआ है। हेलो, अंदर वीडियोग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं किया है इन्होंने, इस करके ना मैंने कोशिश की थोड़ा सा करने की, उन्होंने मना कर दिया। तो जो भी रूलिंग है माननी चाहिए, तो इसलिए मैं बाहर आ गया, तो बाहर आपको दिखाई दिया मैंने कि यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे गार्डन है, कितने अच्छे अच्छे यहाँ पर लगे हुए हैं खजूर के पेड़ वगैरह। तो यहाँ पर आप फोटो वगैरह करवा सकते हो अपनी फैमिली के साथ आके। बाबा जी का दरबार, तो ये देखो यहाँ पे लंगर वगैरह चल रहा है, चाय वगैरह का लंगर सब कुछ चल रहा है यहाँ पे, और ये लोग अपनी फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना रहे हैं। तो आप भी आ सकते हो अपनी फैमिलीज के साथ। और ये देख लीजिए कितने प्यारे लगे हुए यहाँ पे खजूर के पेड़। तो भाई यहाँ पे देखिए चाय की सेवा, पूरे कप वगैरह है यहाँ पर, चाय वगैरह बन रही है। तो यहाँ पे चाय वगैरह पिलाई जा रही है, चाय का लंगर यहाँ पे चल रहा है। तो गाइस दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके, और आई होप कि आपको भी उतना अच्छा लगा है। तो आप भी मानसिक तौर पे यात्रा कर चुके हैं, तो बाबा जी से जो मांगना है मांग लो, सभी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे। तो चलो निकलते घर के लिए, और जाते जाते आपको एक बार फिर से यहाँ के दर्शन करवा दूँ बाबा जी के दरबार के। तो गाई यहाँ पे ना कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब ये दरबार खाली हो, हमेशा भीड़ लगी रहती है, आना जाना चलते रहता है भक्तों का। तो देख लो अभी भी लोग आए जा रहे हैं। सो गाइस जस्ट मैं पहुंच चुका हूं घर, और पूजा ने भी प्रसाद खा लिया, बच्चों ने भी प्रसाद खा लिया, और ओलिविया ने भी प्रसाद खा लिया। और पूजा ओलिविया को बोलती मीठा नहीं देना है, लेकिन फिर भी वो ऐसी है ना, सामने बैठ जाएगी जब तक प्रसाद खत्म नहीं होगा, मतलब मीठा खत्म नहीं होगा। और पूजा के लिए बैठ के ब्लॉग एंड करना है, इस करके मैंने अपनी चेयर रख ली है। गए थे मराशा जी, तो आपको अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि औरों तक भी ये ब्लॉग पहुंचे, और जो नहीं जा सकते वो घर बैठे बाबा जी के दर्शन कर सके, बाबा जी से अपनी मन की मुरादें पा सके। तो बनाने का मेन मकसद मेरा यही है कि जो लोग वहां पे नहीं जा सकते, बहुत दूर रहते हैं, तो उनको भी पता लगे कि हमारे यहाँ पे मराशा जी बाबा जी की बहुत ही एक बल्कि पवित्र दरगाह है। तो गाइज ब्लॉग तो बहुत ही प्यारा बना है, अगर आपको भी पसंद आया तो प्लीज थोड़ा सा शेयर भी कर दीजिएगा इस बार, क्योंकि ये ब्लॉग ना हर एक तक पहुंचना चाहिए, जो लोग वहां पे नहीं जा सकते घर बैठे भी बाबा जी के दर्शन कर सके। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग को हम यहीं पे करेंगे, एंड आपको मिलेंगे कल। देखना गाइज अभी आगे अक्षत आएगा, आपको मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय।